कुछ और खबरों का रुख करेंगे, बात बारिश की करेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम और बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी बारिश शुरू हो गई है। राज्य के कई हिस्सों में भी बीती रात से तेज बारिश हुई। वहां के आपको बता दें, रायगढ़ में भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर आ गई हैं। नदियों के लिए पानी अपने अंदर समाये रखना अब मुश्किल हो गया है और उनका पानी सड़कों पर कब्जा जमाने लगा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें जिसमें आप जलजला देख सकती हैं। रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, ठाणे, पुणे, महाराष्ट्र में भी लगातार अगर हम जिक्र करें तो लगातार हो रही बारिश का असर दिखने लगा है। सड़कों पर पानी है, कॉलोनियों में, बस्तियों में पानी है, यानी नदियों और झरनों, नालों में अब पानी समा नहीं पा रहा है और उसी का नतीजा है कि अब शहर के शहर जलमग्न हो रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, पुणे और ठाणे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रदेश के 17 जिलों के हालात तो ऐसे हैं कि लगातार बारिश के बाद वो टापू में तब्दील हो गए हैं। घरों में पानी घुस गया है, अस्पताल जलमग्न है, स्कूल कॉलेज में घुटनों तक पानी पहुंच चुका है, तो निचले इलाकों में रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित जगह पर लाया जा रहा है। बोले, बोले, जहां तक नजर वहां तक सैलाब। आफत में जीवन का मुसीबत बेहिसाब। झील बनते शहर, हालात बद से बदतर। बारिश के ब्रेक फेल, आधे हिंदुस्तान में त्राहिमाम। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, इस वक्त आप कहीं भी देखें तो नजर आएगा सैलाब। उफान मारती नदियां, तेज आवाज से बहते झरने, खतरे को दिखाती नहरें और ब्रेक फेल बारिश के आगे मुसीबत के मारे जान जोखिम में डालते इंसान। इस तस्वीर को देखिए, जगह है उत्तर प्रदेश का हरदोई, वही उत्तर प्रदेश जहां के 17 जिलों पर इस वक्त बाढ़ का साया मंडरा रहा है। पश्चिम में पीलीभीत से लेकर पूर्व में बलिया तक 20 लाख लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। उस हरदोई में बारिश के बाद उफान पर आई गर्रा नदी के तेज बहाव ने एक पुल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बोले, बोले, ए गए। पुल आधा टूट गया, मगर इसके बावजूद लोग अपनी जान हथेली पर लेकर पुल से गुजरते दिखे। टूटी सड़क के नीचे से पानी की तेज धारा बह रही थी और ऊपर लोग जान को हथेली पर रखे अपना सफर तय कर रहे थे। हादसे के वक्त गनीमत ये रही कि वहां कोई शख्स मौजूद नहीं था। पानी का तेज झोंका अपने साथ इस पुल को बहा ले गया। बोले, बोले, ए गए। यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। राप्ती, सरयू, गंडक, रामगंगा और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे तक पानी में डूब गया है। हाईवे पर पानी का ऐसा कब्जा है कि गाड़ियों का चलना मुश्किल है। छोटी गाड़ियां पानी के तेज बहाव के आगे दम तोड़ रही हैं और नदियों के पास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। महाप्रलय के बीच तबाही की वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दहला देने वाली हैं। ये उसी यूपी का दूसरा शहर उन्नाव है जो राजधानी से महज 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन यह शहर इस वक्त टापू की शक्ल लिए हुए है। खतरे के निशान को पार करती गंगा की लहरों ने आम जन के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। गंगा का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को नाव चलाकर दरिया रूपी अपने इस मोहल्ले को पार करना पड़ रहा है।
उसी यूपी की ये तीन तस्वीरें भी देखिए। पहली शाहजहांपुर की है, जहां मेडिकल कॉलेज पानी में डूबा तो प्रिंसिपल मरीजों के स्ट्रेचर को अपनी सवारी बनाकर पानी पार करते दिखे और मेडिकल कॉलेज के चार कर्मचारी स्ट्रेचर को खींचते नजर आए। वहीं सिद्धार्थनगर में एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा तो बदायूं में एक दुल्हन को अपने ससुराल तक पहुँचने के लिए 4 फीट गहरे पानी में उतरना पड़ा। बैलगाड़ी के जरिए वो अपनी ससुराल पहुंची। उधर इटावा में थोड़ी देर की बारिश के बाद एक अंडरपास में इतना पानी भर गया कि वहां से गुजर रही एक बस पूरी तरह से फंस गई। बस डूबी तो उसमें सवार 20 यात्रियों की सांसें अटक गई। करीब 2 घंटे तक बस पानी में फंसी रही। और हर साल की तरह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश ने आतंक मचाया हुआ है। उत्तराखंड में जगह जगह दरकते पहाड़ों ने लोगों को दहशत से भरा हुआ है तो नदियों का रौद्र रूप भी डरा रहा है। पहाड़ों पर कुदरत का कहर, हिल गई धरती, खिसक गई जमीन, बरस रही आसमानी आफत और टूट रहे पर्वत। पहाड़ों से मैदान तक सैलाब ही सैलाब। क्या मैदान, क्या सड़क, क्या पहाड़, हर तरफ सिर्फ तबाही और तबाही नजर आ रही है। जहां उफनती नदियां मैदानी इलाकों को अपने आगोश में समेटने की जिद पर हैं, तो वहीं दरकते पहाड़ सब कुछ तबाह कर देने पर आतुर हैं। उफनती नदियों के सैलाब की तस्वीर हो या फिर खिसकती जमीन और दरकते पहाड़ों की तस्वीर, हर तस्वीर डरावनी है और दिल दहला देने वाली भी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से सैलाब की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने दिल की धड़कनें बढ़ा दी। पहाड़ से उफनती नदी के साथ पत्थरों का सैलाब बहता दिखाई दिया। बेहिसाब वेग के साथ पहाड़ से पत्थर मलबे के रूप में गिरते दिखे, मानो वहां पत्थरों की नदी बह रही हो। लेकिन पहाड़ों से बहते सैलाब की ये आखिरी तस्वीर नहीं है। उत्तराखंड का हर जिला बेहिसाब बारिश से बेतरतीब हो रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, जमीन खिसक रही है और पहाड़ों से गिर रहा मलबा अपने साथ सब कुछ तबाह कर देने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में भारी लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 200 से ज्यादा सड़कें प्रभावित हुई हैं। अकेले बद्रीनाथ धाम जाने वाले रूट पर 22 जगह लैंडस्लाइड की घटना हुई है, जबकि भारी लैंडस्लाइड की वजह से 4 धाम यात्रा को 3 दिनों तक बंद रखना पड़ा। पहाड़ों से टूटकर सड़क पर गिरे मलबे को हटाने के लिए BRRO के साथ ही NDRF, सेना, NTPC भी जुटे हैं। जोशीमठ में 3 दिन पहले हुए लैंडस्लाइड ने तो लोगों की सांसें ही थाम दी थी। 48 घंटे तक हाईवे के दोनों तरफ 5,000 से ज्यादा लोग फंसे रहे। बद्रीनाथ हाईवे पर गिरे मलबे को हटाने के लिए पिछले कई दिनों से BRRO के साथ ही NDRF, सेना भी एक्टिव है। तब कहीं जाकर हाईवे के दोनों तरफ फंसे हजारों लोगों के लिए रास्ता निकल पाया है। ये जो हमारे लिए BRRO के लिए बहुत काफी चुनौतियां थी, जो कि अचानक हमारे पास जो है काम लगा रहे थे, एक मशीन हमारा नीचे दब गया था। कुछ ऐसे पत्थर आ रहे जो कि शूटिंग स्टोन थे, जो हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर बाद में हम लोग उसको रिस्टोर कर लिए, अभी हम यात्रा के लिए पूरा सुचारू कर दिया है।
पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। उत्तरकाशी में बड़ेथी नदी से लगे एक नाले में अचानक उफान आ गया। पहाड़ों में बारिश के बाद ऐसे हालत कई जगह देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड के 7 जिलों देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच उत्तरकाशी से नदी के तेज बहाव के बीच फंसे एक कुत्ते को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। आपदा प्रबंधन की रेस्क्यू टीम कई घंटे की मशक्कत के बाद नदी के बीच तेज धार में फंसे कुत्ते की जान बचाने में कामयाब रही। बहुत बढ़िया। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का मौसम लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। इन राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित है। लगातार बारिश की वजह से उफनती नदियां और पहाड़ों के टूटने की घटनाओं की वजह से हर वक्त बड़ा खतरा बना हुआ है। तो बाहर बारिश से मची हाहाकार की तस्वीरें भी आपने देखी। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।